अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं तिल और गुड़ के पूरियां, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। और इसको बनाने के लिए हम लेंगे 2 कटोरी तिल, जो 1.5 किलो है, और इसे 5 से 10 मिनट के लिए भून लेंगे। ज़्यादा देर मत भूनिए, नहीं तो जल जाता। और इसे ठंडा कर एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और साथ ही गुड़ डाल देंगे। ये 200 ग्राम गुड़ है, इसे अच्छे से पीस लेंगे। इस तरह से दरदरा पीस लेना है और एक बॉल में निकाल कर रख लेंगे। देखिए, इस तरह से ग्राइंड कर इसे रख लेना है। और हम पूरी बेलने के लिए लेंगे 1/2 किलो मैदा, और उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और पानी डालकर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। और थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं आप। डालकर इसे इस तरह से गूंद लेना है और 10 मिनट तक ढक के रख देना है। अब पूरी बेलेंगे, इस तरह से छोटे छोटे पूरी बेल लेना है। और अब इसमें डालेंगे हम तिल और गुड़ डालकर इसे साइडों से पानी लगाकर बंद कर लेना है अच्छे से, ताकि जब आप इसे तले तो वो खुल ना जाए तेल में। पानी लगाए हम साइडों से, लेकिन वो वीडियो थोड़ा स्किप हो गया। अब एक फोक की मदद से इस तरह से डिज़ाइन बना ले पूरी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तिल और गुड़ के पूरियों की, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम सभी पूरियों को इसी तरह से बना कर रख लेंगे। अब पूरियां तलने के लिए हम चूल्हे पर चढ़ाएंगे कढ़ाई, और उसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म होने के बाद डालेंगे हमारे पूरियां। पूरियों को अच्छे से गोल्डन कलर होने तक तलना है। देखिए हमारे पूरियां किस तरह से फूल रहे हैं। अब इसे अच्छे से तल लेंगे। देखिए ये अब गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये रेसिपी बहुत ही गुड़ और तिल की इजी है एंड टेस्टी रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई करिए अगर आपको पसंद आई हो तो। सभी पूरियों को इसी तरह से बना लेंगे। और अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया पूरियों का, तो आप इस तरह से भी शेप दे सकते हैं, इस तरह से भी डिज़ाइन बना सकते हैं पूरियों का। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तिल और गुड़ के पूरियों की, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।